तो गेल इंडिया लिमिटेड ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कॉल्ड हवा बदलो। डू यू थिंक डीओ यूज करने से या एयर कंडीशनर्स यूज करने से एयर क्वालिटी पर फर्क पड़ता है? आई गेस डीओ यूज करने से यस पड़ता है, बिकॉज़ व्हेन यू स्प्रे इट गेट्स लाइक स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर। नहीं नहीं नहीं, बस आग नहीं लगाना चाहिए डीओ में। आई गेस एयर कंडीशनर्स वगैरह से तो पड़ता है, पर डिओड्रेंट्स का आई एम नॉट श्योर कि पड़ता है, लाइक 50-50। जब भी आप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, अगर आप अंदर का टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो, बाहर आप उतनी हीट पास कर रहे हो, जितना बाहर सराउंडिंग एरिया में हीट बढ़ेगी उतना ही आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स में असर पड़ता है। एसी भी नहीं यूज होने चाहिए, बट बिकॉज क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, तो करना ही पड़ता है ना चाहते हुए। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डीओस तो फिर भी एरोसोल स्प्रेज हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी है। स्टिल मैं ज्यादातर परफ्यूम्स ही यूज करता हूँ डीओस से ज्यादा। मैं कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में बैठा हूँ जो एसी हॉल में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, विच मेक्स नो सेंस। तो एसीज हम कम यूज करना चाहिए। एयर क्वालिटी पे आई गेस जब एयर कंडीशन इंट्रोड्यूस हुए थे तब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते थे एंड उससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती थी, बट अब नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी अब चेंज हो चुकी है।